हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मोहरी का डिज़ाइन। तो सबसे पहले मोहरी को हमने तैयार कर लिया है। इसकी चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच है, और सबसे पहले हमें नीचे की तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगाने हैं। 2-2 इंच पे निशान लगा लेने हैं, ऐसे ही इनके ऊपर हमें 2 इंच पे निशान लगाने हैं। तो देखिए इस तरीके से। अब इनके बीच का हमें निकालना है, तो आप फोल्ड करके निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमें मार्क करना है। अब इनके बीच का भी हमें देख लेना है। तो ये 2 इंच था, तो इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमें एक बॉक्स बनाना है, और यहाँ से हमें फ्लावर बनाना है जिसके हमने 4 पत्तियाँ बनाई है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे ही हमें इसे पूरे को कम्प्लीट कर लेना है। पूरा हमें इसी तरीके से कम्प्लीट करते हुए चलना है। ये देखिए अब इनके बीच में हमें बॉक्सेस बना लेने हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, इसे थोड़ा रफ़ कर देंगे, और अब इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स पे सिलाई लगाएंगे। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियोस, मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताते रहिएगा। तो देखिए हमने बॉक्स तैयार कर लिया। अब इसकी बीच की सिलाई हमें लगानी है। तो सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर हमें 4 पार्ट बनाने हैं, और उनके अंदर हमें एक सिंपल सिलाई लगानी है। तो ये मैं साथ में ही लगा रही हूँ, देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसके बीच की जो सिलाई रहती है वो हमें कम्प्लीट करनी है। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने फ्लावर बनाया था उसे कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें नीचे और ऊपर के दोनों जो पत्तियां हैं उन्हें तैयार करनी है। तो देखिए इसी तरीके से इन्हें भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब इनके बीच में हमें लाइनें बनानी हैं जैसे हमने बॉक्स के बीच में बनाई थी। इसी तरीके से हमें इसे पूरा तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा पोंचा बनके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा डिज़ाइन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।